एक बार की बात है, आप लोगों को मंत्री याद है? हाँ भाई, नेतागिरी करने वाला। तो हर मंगलवार को लाल चिट्ठी पहनता था। क्यों पहनता था पता नहीं, और कैसे पहनता था ये पूरी दुनिया को पता है। तो एक दिन जब वो नहा के निकला तो उसे पता चला कि उसकी लाल चिट्ठी गायब है। गुस्से के मारे उसका मुखड़ा लाल चिट्ठी ऐसा हो गया। दिल में दर्द और होंठों पे अत्यंत पीड़ा लिए उसने लोहन स्टार को फोन लगाया। क्या रे, एक दिक्कत हो गया है। कहे थे ना ज्यादा तेल मसाला नहीं खाने जब लूज मोशन होता है तो। अबे नहीं, कितना गोली दो? दूसरा मामला है। क्या, कब जियर? अरे यार बात सुनो ना तुम। बोलो। अरे हमरा लाल जंगिया लेकर कोई भाग गया है। कौन लिया? तुम्हारा बाबूजी। नहीं हो सकता, वो आज हरा वाला पहने हैं। अरे बुड़बक, मतलब हमको पता होता तो हम खुलवा नहीं लिए होते। तब अब क्या? हमको लगता है अठनिया लिया। अठनिया? वो कहे लेगा? अरे वो दो दिन पहले हमसे अंडरवियर कंपनी का नाम पूछा था। कौन कंपनी बताया तुम उसको? माचो। माचो माचो उचो छोड़ो, जॉकी पहना करो। अरे तुम अठनिया से बात कराओ ना यार। ठीक। हाँ बात कराओ हमसे। ठीक। ये कहकर मंत्री निश्चिंत हो गया। रोहन ने फ़ोन घुमाया और फिर एक मीटिंग फिक्स की गई। टेबल कुर्सियाँ लग गई और लोग आ गए। मीटिंग में मुझे भी खींच लिया गया, मत पूछिएगा क्यों, मुझे खुद नहीं पता। अठन्नी के आने की बारी आई। देखने में ठीक ठाक कदकाठी का, बाल में 150 किलो तेल लगाए हुए और साथ में पूरे 2 लोग के साथ वो मीटिंग की जगह पर आया। बड़े ही तुनकते हुए अंदाज में उसने अपना तशरीफ कुर्सी पर दे मारा। मंत्री उसे घूर रहा था और वो मंत्री। रे अठन्नी, मैं लाल अंडरवियर देता है कि नहीं तू? कौन सा लाल अंडरवियर? अंडरवियर तो पहनते ही नहीं। अभी कैसा कितना गंदा आदमी है यार, कितना गंदा आदमी है। अबे तब तुम उसे अंडरवियर कंपनी क्या पूछा था? वो तो सोचे थे खरीदने के लिए, लेकिन खरीदे नहीं क्योंकि हमको फ्री में मिल गया। फ्री में कैसे मिल गया तुमको? वो तो हम जा रहे थे मोटरसाइकिल से तो हमने सामने गिर गया तो भगवान प्रसाद समझ के उठा लिए। कौन सा रंग का था? लाल रंग का। हाँ तो मेरा था। तुम्हारा कैसे था? अरे हाँ, तुम्हारे घर के सामने मिला था। नहीं डालो। रे अठन्नी, छोड़ेंगे नहीं तुमको। पहले पकड़ लेते हैं। रे सुनो रे, हमारा बाबूजी का नाम चवन्नी है। तब क्या करे, पिछवाड़ा में डाल ले। रे मेरे बाबूजी पे मत जाना, उस पर सिर्फ हम जाते हैं। अरे लोहन बता क्या इसको। अरे लोहन कहाँ गया? अरे धनिया टमाटर लाने गया है। फिर बहुत देर तक बहस होती है और ये तय होता है कि ये क्रिकेट मैच होगा और जिसकी टीम जीतेगी लाल अंडरवियर उसका। अब ये कैसे तय हुआ ये नहीं पूछिएगा क्योंकि बड़ी लंबी कहानी है। अब टीम इकट्ठा करने की बारी थी। टीम का पहला मेंबर अप्पू खोटे पिछले बार की हार से अभी तक सदमे में था। वो बैट अपने साथ लेकर ही नहाता धोता सोता था। मंत्री ये कॉल करने पर वो तुरंत राजी हो गया। मैं कसम से इस मैच के ना होने के पक्ष में था। भला एक बार शर्मिंदगी के नाले में नाक डुबोकर दूसरी बार उसे सूंघने कौन जाए। खैर मेरी किसने सुनी थी। काफ़ी लोगों की एक्सपर्ट सलाह लेने के बाद हम पहुँचे एक प्रतिभाशाली जीव के पास। हाँ तुम ही को ढूंढ रहे हैं। आप लोग बड़े अच्छे इंसान हैं। हाँ। नहीं तो कुछ ऐसे चार बाप के औलाद होते हैं जो अंधा आदमी देखते ही चेहरे के सामने हाथ हिलाने लगता है। हमारा दिमाग हिला हुआ था पर हमने दूसरों की बातों का भरोसा किया और इसी तरह नया सुख हमारे टीम में सम्मिलित हो गया। इसी तरह मैच का दिन आ गया और ट्रॉफी में लाल चिट्ठी टांग दी गई। अठन्नी भी अपनी टीम के साथ पहुंच गया था। उसकी टीम में 4 बड़े खतरनाक खिलाड़ी थे, पनीर खान, बलवान खान, रुक रुक खान और चौथा बाप का नाम रोशन कुमार। वैसे अठन्नी खुद को बहुत बड़ा तुर्रमबाज क्रिकेटर मानता था पर उसको बैटिंग बॉलिंग करते देखकर
लोगों का ये यकीन कि ये नामुराद है यकीन ही बना रहता था। उसका एक्चुअल अभिता जो हमेशा ठन्नी की तारीफ में ये कहता था, हीरा है हीरा बीच में जौ लगा के। बिल्कुल, इससे हमारे सामने अठन्नी के समझने की औकात का पादर्पण हुआ। खैर, टॉस का समय आया और उसके लिए भी अठन्नी ने बहुत प्रैक्टिस की। करीब 100 बार सिक्का उछाल उछाल के देखा, फिर भी टॉस हार गया। मंत्री ने बॉलिंग चुना, फील्ड सज गई। नयन सुख को बोला बैठ जाओ, पर वो ना माना तो उसको थर्ड मैन पर खड़ा कर दिया। बॉलिंग करने का मुद्दा खुद मंत्री ने संभाला। मंत्री चलने की स्पीड में दौड़ा और तेजी से बॉल मारा।